वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मेरे लेंस टूट चुके हैं वो भी फंक्शन के कुछ दिन पहले तो अब मैं जा रही हूँ लेंस बनवाने क्योंकि ये तो मेरे कोई काम के नहीं रहे मैंने बस सडनली उठाया लेंस लगाने के लिए तो एक इसमें से टूटा हुआ था जबकि ये मैंने इसमें हमेशा मैं इसका लेंस वाटर सोल्यूशन जो होता है वो डालती रहती हूँ ताकि ये ड्राई ना हो बट पता नहीं क्या हुआ खैर चलते हैं न्यू लेंस बनवाने और मैं हमेशा ग्रे बनवाती हूँ आप सबको ये बात पता है सो so, ये मैंने आ, आई हूँ मैं गुलबर्ग की एक शॉप पे मैं हमेशा यहीं से बनवाती हूँ बट कुछ टाइम पहले मैंने चेंज की ये शॉप वरना मैं एक और से बनवाती थी बट इनके भी बहुत अच्छे लेंसेज़ हैं यहाँ मैंने तीन चार शेड्स ट्राई किए फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ट्राई किया वरना मैं ट्राई किए बगैर ही ले, ले लेती हूँ क्योंकि हाइजीनिक नहीं होता किसी और के लेंसेज ट्राई करना बट रिस्क ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग शेड चाहिए था इस दफ़ा बट एंड देन मैंने ले लिए लाइट ग्रे हमेशा मैं डार्क ग्रे लेती हूँ थोड़े से और काम किया और हम घर गए क्योंकि इसके बाद हमें शॉपिंग पर जाना था तो घर जा क्विकली चेंज किया और फिर हम निकले शॉपिंग पर तो आज मुझे तकरीबन जो सारे एंड एंड की चीज़ें थी वो करनी थी लास्ट मंथ शॉपिंग जो होती है जिसमें थी ज्वेलरी मेरे एक सैंडल्स रह गए थे वो लेना था और एक हमें ड्रेस लेना था तो वो हम गए स्ट्रेट अलकरम पे अलकरम की काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी और ऑफ़ भी था आई थिंक फिफ्टी परसेंट या फोर्टी परसेंट ऑफ था जिससे हमने एक शर्ट पीस लिया है कि मैं आपको घर जाकर अगर दिखा सकती तो ज़रूर दिखाऊंगी और उसके बाद मुझे जाना था साम पारी आज भी हम आए हैं क्योंकि हैजरी मेरे घर से थोड़ा करीब भी है और हैजरी में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ब्रांड्स भी नीचे हैं और ऊपर जो लोकल मॉल्स में लोकल शॉप्स भी काफ़ी हैं वहाँ से मैंने ये वाली हील्स मुझे पसंद आई हैं ये था थाई शूज़ पर यहाँ मैं कुछ सालों से अपने हील्स लेना आती हूँ थाई शूज़ पर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी कलेक्शन है अगर आप वहाँ जाएँ तो ज़रूर चेकआउट करें मैंने ये वाली हील्स सेलेक्ट की हैं बहुत प्यारी लग रही थी फिर मुझे लेनी थी जीन्स क्योंकि विंटर सीजन है तो मैं जीन्स लेती हूँ मेरे पास दो तीन है तो मेरी बहुत पुरानी हो गई थी मुझे न्यू लेनी थी मुझे जाना था कराची ईद जो कि अब तो हो चुका है और मैं वहाँ नहीं गई शुक्र अल्लाह का क्योंकि बहुत बुरा इवेंट रहा है इस दफ़ा का बट मैं तो एक्साइटेड थी क्योंकि पहले ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है हम संडे को जाने वाले थे बट हम नहीं जा सके खैर मैंने जीन्स तो ले लिया कहीं ना कहीं पहन ही लूँगी फिर हम गए दुपट्टा बनवाने अम्मी का जो हमने ग्रीन ड्रेस लिया था मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था उसके ऊपर मैचिंग दुपट्टा लिया है यहाँ पर देन हमने यहाँ से ज्वेलरी ली है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नेकलेसेज आए हुए थे बट मुझे आ, बस आ, सिंपल इयर चाहिए थे और टॉप्स चाहिए थे तो मैंने ये दो तीन चॉइसेस रखी थी एक मुझे ये वाले सिल्वर में बहुत अच्छे लगे थे सिल्वर मुझे चाहिए थे और ये गोल्डन चाहिए थे बाकी तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी रखी हुई थी एन फर्स्ट इवेंट के ड्रेस के लिए मुझे ये वाले अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए है ये एयर कफ टाइप थे बट uh, थोड़ा सा इसको ट्रिकी होता है पहनना और उसके बाद मैंने थोड़ी रिंग्स देखी क्योंकि मेरी रिंग्स काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं जो थी मेरी खराब हो चुकी हैं मैंने दो तीन ली क्योंकि अच्छी वैरायटी बिल्कुल नहीं थी और फिर मैं मेकअप की शॉप पे गई uh, मुझे थोड़ी सी लिप शेड्स चाहिए थे और नेल पेंट चाहिए था बाकी मेकअप भी सारा मेरे पास रखा हुआ है क्योंकि मैं uh, जो फाउंडेशन होती है वो मैं ऐसी जगह से नहीं लेती वो कोई ऐसी हो जो ब्रांडेड हो तो वही अच्छी होती है क्योंकि स्किन का मामला है ना तो ये मैं नहीं ले सकती इस बेस बट नील पेंट और ये तो लोकल भी चलती हैं इनके पास से काफ़ी ज़्यादा शेड्स ले चुकी हूँ पहले भी तो मुझे ये इन्होंने बॉक्स गाया था जिसमें काफ़ी अच्छे शेड्स थे तो मुझे एक ये पसंद आया सबके मैंने स्वेस करके देख लिए तो ये काफ़ी अच्छा शेड था उसके बाद अम्मी ने यहाँ पे एक बैग लिया अपने लिए ये भी काफ़ी डिसेंट लग रहा था तो ये भी मैंने ही चॉइस किया था वैसे तो हमने ये लिया और फिर हम घर गए दैन लेट नाइट हमने खाने के लिए सोचा कि हम बाहर चलते हैं तो मैं और मेरा भाई गए कि खाना खाने क्योंकि मैं बहुत भूख भी लग रही थी और घर में कोई हमारे मतलब का खाना नहीं बना था अपने घर के पास वाली ब्रांच में गए थे वैसे हमारे घर के पास दो दो ब्रांचेज हैं के की ये एक फेडल भी एरिया वाली ब्रांच है तो मेरे भाई का कहना है कि हर ब्रांच का टेस्ट डिफरेंट होता है जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है बट उसने कहा कि मैंने और जगह का ट्राई किया है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बट मैंने कहा करीब में है हम वहीं चलते हैं क्योंकि हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाना था और जो नॉर्थ नानाबाद पर है वो ज़्यादा अच्छी और बड़ी है बट वो हमेशा उस पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो मैं तो वो वाली ब्रांच अवॉइड करती हूँ अगर जाके खाना हो तो और डिलीवरी भी उस दिन पॉसिबल नहीं थी मैंने कॉल्स बहुत की थी बट डिलीवरी के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम ट्वेंटी मिनट्स लगेंगे थर्टी मिनट्स लगेंगे इसलिए हमने सोचा हम जाके ही खा लेते हैं और गर्म गर्म खा सकेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा इसलिए हमने डेव बॉक्स ऑर्डर किया था जो दो बंदों के लिए बहुत इनफ है दो बर्गर्स होते हैं दो चिकन पीस और फ्राइज़ होते हैं फिर हमने एक्स्ट्रा फ्राइज़ और कॉल्स तो ले ली थी तो परफेक्ट मिल था हमारे लिए मेरे लिए तो बल्कि ज़्यादा ही था मैं इतना नहीं खा सकती एक साथ सो so, ये था आज अच्छा का ब्लॉग आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफेज